रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं दो भाई बहन सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम ये बना रहे हैं आम की चटनी। ये हमारे ये हाथ में आम आम की है। चटनी, ये समझ लो कि आम की चटनी ऐसे बना, गाँव में किस तरीके से आम की, कच्चे आम की चटनी बना रही है ना, हाँ वही ना, बताए ना कच्चे आम की चटनी हाँ कैसे कच्चे बनाई आम जाती के पक में एक दिन, तो अभी तो कच्चे हैं आम। है। कच्चे आम है तो ये हमने ये क्या किया है, तुमने छीला है इसको, ये हाँ चीले ना, निकालनी है। देखें बीच में जो कोयला होता है ना वो निकालना पड़ता है, तो अभी बताते चले उनको। ये कोयला निकाला सही, चटनी आम की। तो इसमें और एक चीज ऐड की जाती है, वो जरूरी करनी है चीज ऐड। अगर वो चीज ऐड नहीं करेंगे तो क्या होगा, चटनी अच्छी नहीं बन रही है। अच्छी नहीं बनती है चटनी। वो चीज कौन सी है बताएं देखने वालों को। प्यास, प्याज, तो प्याज ज्यादा नहीं, सिर्फ एक प्याज बहुत है, वो भी छोटा सा पीस प्याज का। मैं आम तो खा रही हूँ, बहुत मीठी है, खट्टी नहीं है, अच्छी नहीं है, मीठी अच्छी चटनी है। वो ये आम आम है, है, कोई मेरे को देखने में मीठा भी आम है। खटास महसूस हो रही है। अगर जब फीकी पड़े तो मैं जी, गंदा है। मैडम ये देख रहे हो आम निकल जाता है बाहर यार, कौन उखली से भी। ये दो एक एक दो के पीस डालेंगे जो कूट जाए अच्छी तरह से। हाँ इसको अच्छी तरीके से पीसना पड़ता है ऐसे। ना, ये देखिए एक एक डाल के कूट के जाएंगे पीसना तो पड़ता है इसको, जो अच्छी से पीस जाए। और भी इसमें दो तीन चीजें होती हैं वो ऐड करनी पड़ती हैं, मगर वो अभी इस टाइम ऐड नहीं होंगे, तो वो आगे चल के वो चीजें ऐड पड़ती हैं जो स्वादी चटनी बनती है, खट्टी और स्वादी चटनी। तो माशाल्लाह इस टाइम अभी सीजन लगा पड़ा है, सीजन के हिसाब से ये चीजें बनती है, तो हम भी सीजन के हिसाब से ही ये लोग बना रहे हैं। उम्मीद करते हैं पसंद आएगा। क्या डाल रही है, लाल मिर्ची, तो अभी ये जो हमने इस उखली में वो पीस दिए हैं, लाल मिर्ची और नमक, नमक। देखो सिर्फ लाल मिर्ची और नमक, ये क्या है, मसाला थोड़ा सा। मसाला डलता है इसमें, हाँ ना, थोड़ा सा थोड़ा सा टेस्ट के लिए थोड़ा सा मसाला। तो चलो अभी हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज करके आपको बताते चलते हैं, वीडियो को एंड तक वॉच करते चलें। तो अभी हमने पीस दिए, अभी ये मिक्स कर रहे हैं। देखो गाँव में मिक्स करने का तरीका ही अपना। तो अब भी ये कनाली आ गई, तो अभी आयल देखें कितना ऐड हो रहा है। ये क्या है बता, क्या होगा आयल है, तो बताते चलें जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको पता तो चले कौन सी चीज डाल रही है। उन लोग को पता आयल तो डलेगा और कुछ क्या। अभी जो हमारा ये आयल मैंने डाला है वो तड़के ना गर्म ना हो जाए, तो फिर अब तक चटनी हमको नहीं है डालनी। तो अच्छी तरह आग पे ये जब तक आयल, मैंने इससे आवाज नहीं आई, ये हाँ जब आयल तक गर्म नहीं हो ना आयल फुल और फुल आग पे। सही सही है, देखें वीडियो देखने वालों को बताते चलते हैं, जब तक आयल गर्म नहीं हो तब तक चटनी नहीं डालनी है। तो डालोगे तो स्वादी नहीं बनेगी, ये याद, आयल सबसे पहले गर्म होना पड़ता है। तो अभी ये चटनी पीस दी है, वो निकाल रही है। तो बताते चलें मेरे बहन भाइयों को जो वीडियो देख रहे हैं हमारे, तरीके से आप बना के देते हो, मैं चटनी पसंद आएगी हमारे दोस्त की। ओ ये आवाज, ऐसी आवाज। अभी जो ये हमारा आयल आवाज आ गई है, ठीक से ये देख रही, अभी हम डालेंगे चटनी। बिस्मिल्लाह, आपने देखा जब तक आयल फुल गर्म नहीं हो सकता है तब तक आप नहीं डालने पड़ते चटनी याद। अगर आपने पहले ही डाल दी, बाद में आप बोलोगे कि आप वाली जो रेसिपी है वो नहीं बनी, फिर तो उस रेसिपी में और उस सेम रेसिपी में फ़र्क पड़ेगा ज़रूर। तो चटनी हमारी ये देखें, इसको पकाना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा। अभी यहाँ पे ये देखें ऐसे ही, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं नहीं सही बोल रहे, ऐसे ऐसे पका। तो इसको क्या कितने टाइम तक अभी पकाना पड़ेगा, ये जो पक रही है 5 मिनट के, 4 से 5 मिनट, 5 मिनट तक फुल आँच पे। तो अभी जैसे ये देखें पक रही है चटनी,
ओए ओए, मेरे मुंह में तो अभी से पानी, मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है, क्योंकि आम चीज़ होती है तो बंदा मुंह पहले से ही ऐसे मैसे होता है कि खट्टी है, चटनी कैसी खट्टी बनेगी चार की तरह। वाह, तो अभी हमारी ये चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तो उम्मीद करते हैं जो नए हमारे बहन भाई आए हैं हमारे चैनल पे, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि उनके पास हमारी पहले ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए नई वीडियो का। चलो अभी दूसरी वीडियो में मिलते हैं, सलामत रहिए।